वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के आपके करंट अफेयर। फ्रेंड्स देखिए, ऑलरेडी मैंने जनवरी ख़त्म कर दिया, फरवरी जो है वो भी ख़त्म होने वाला है। आज जो है फरवरी 11 फरवरी तक हम जो है करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपसे हमेशा बोला है, जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं, जितनी भी योजना है, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, जितनी भी आपकी नियुक्तियां होने वाली हैं, जितने भी जो है मुख्यालय हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो रहती है। और ये वीडियो उन सभी से इम्पॉर्टेंट है जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है आपसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले का नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है तो सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपको 4 महीने 6 महीने पुराना हो आपसे पूछा जाएगा। अगर 3 दिन या 4 दिन पुराना तो फ्रेंड्स वो हरगिज नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा वो क्वेश्चन, लेकिन उससे रिलेटेड पुराना कोई चीज़ पूछी जाएगी, नई नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये नंबर 6 का वीडियो है स्पेशल करंट अफेयर की, इसको स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ठीक है, ने 5 फरवरी 2019 को एशियन 2019 एशियाई LPG क्या है LPG शिखर सम्मेलन को उद्घाटन कहाँ पर किया है? मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली में? तो फ्रेंड चलिए कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। ये इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में। 2019 एशिया LPG शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया, किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासियों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए विवेक पंडित की अध्यक्षता में, क्या नाम है, विवेक पंडित की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये कहाँ पर है आपको बतानी है, कौन से राज्य है यहाँ पर ये जो है समिति गठित करी गई? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर महाराष्ट्र? तो यह करी गई थी महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोइंग 747 और 200 की बात करें के नाम से जाने जाने वाला एयर इंडिया के पहले फ्लाइट सिमुलेटर की प्रदर्शनी कहाँ की गई? तो फ्रेंड ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एयर क्राफ्ट है, ठीक है, इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है और ये जो है लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है, एयर इंडिया की अवेयरनेस के लिए, मतलब जो एयरप्लेन्स हैं उनसे थोड़े से हम हैबिचुअल हो जाएं, इसलिए फैलाई गई थी अवेयरनेस। तो फ्रेंड ये कहाँ पर ये जो है फ्लाइट सिमुलेटर प्रदर्शनी जो है करी गई? तो यह करी गई, ये मुंबई में प्रदर्शनी करी गई। कहाँ पर करी गई? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 फरवरी 2019 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा शुरू किया गया कौन सा अभियान पूरे भारत में खुले में स्वच्छ मुक्त स्थिति को बनाए रखने पर केंद्रित है? तो आपको पता होगा जो जो इसका जो है स्वच्छ भारत ग्रामीण जो जो खुले में स्वच्छ मुक्त जो अभियान है उसके ब्रांड नंबर्स कौन है? अमिताभ बच्चन है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा वाला जो है अभियान है, तो आपको आंसर कमेंट करना है। तो ये है दरवाज़ा बंद भाग 2। क्या रहेगा? दरवाज़ा बंद भाग 2 रहेगा। अगला रहेगा आपके पास 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हिंदुस्तानी गायन संगीत श्रेणी के तहत संगीत नाटक अकादमी 2017 से किसे सम्मानित किया गया, जिसका 2019 में जो है पुरस्कार मिला है हिंदी जो हिंदुस्तानी गायक श्रेणी में जो है श्रेणी के तहत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो यह दिया गया है ललित जे राव को। अगला क्वेश्चन, किस नर्तक को 6 फरवरी 2019 को कथक श्रेणी के तहत संगीत नाटक अकादमी 2017 से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी के से पुरस्कार दिया गया है? तो यह रहेंगे शोभा कोशर को। किसको? शोभा कोशर को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 और 9 जून 2019 को आयोजित मोंटे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्स क्या एंटरप्रेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि WEOY भी बोलते हैं इसे, ऐसा भी आ सकता है एग्ज़ाम में,
किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय तो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भी आते हैं। तो यह सम्मान दिया गया अजीम प्रेम जी को। किसको दिया गया? अजीम प्रेम जी को दिया गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर वैश्विक व्यावसायिक सेवा संगठन ई वा ई ने 4 फरवरी 2019 से को जो है 16 देशों के सबसे असाधारण उद्यमियों की सूची में जारी जारी किए, जो वर्ष 2018 के जो कब वर्ष 2018 पुरस्कार के 20वें उद्यमियों के लिए फाइनल है, ठीक है। राष्ट्रीय विजेता 5 और 9 जून तक मोंटे कार्लो मेई वाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी, कौन है भाई अजीम प्रेम जी? विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट उनको दिया गया है। अगला देखेंगे भारत के प्रमुख, आपको नाम बताना है इनका, को 6 फरवरी 2019 को नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो यह किए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। कौन किए गए? प्रदीप सिंह खरोला। अगला देखेंगे, अब ये क्वेश्चन जो है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये है, आपको कल जो वीडियो मिलेगी एक, उसमें इम्पॉर्टेंट 30 से या 35 आपको योजनाएं मिलेंगी, जो भी 2019 और 18 की टॉप मोस्ट योजनाएं रहेंगी वो हम देखेंगे, ठीक है। इस योजना के बारे में जो है प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना या कहें आयुष्मान योजना है, इसके बारे में आपसे ये पूछा गया जरूर है, लेकिन इसके बाद में आपको कल एक वीडियो दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, वह भी देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। विश्व की सबसे बड़ी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत भी, के नाम से जानी जाती है 5 फरवरी 2019 को योजना विवरणों को एक्सेस करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आप अपना जो है डिटेल डालकर, अपने पूरे परिवार का डिटेल डालकर जो है PMJAY जो है जिसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं है वो चेक कर सकते हैं, मोबाइल पर भी मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए आंसर दीजिएगा, ये जो है उस कौन ऐप का नाम क्या है? यहाँ पर ऐप का नाम है PMJAY, ठीक है, ये इसकी जो है एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 6 फरवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 40वें संचार उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस, क्या एरियन स्पेस लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है? CS-80-40 GSAT-31 NS-80-11 या PS-80-32। तो इसका नाम है GSAT-31, जैसे कि हम GSAT, GSLV, PSLV यूज़ करते हैं उसी प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, महिलाओं के T20 में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन है? देखिए इन्होंने 24 बॉल में अर्धशतक लगाया T20 में और वर्ल्ड रिकॉर्ड है 20 का, ठीक है, मतलब 20 बॉल में महिलाओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आपको ये बताना है कि 24 में जो है, तो देखिए 24 में किसने लगाया है, 24 गेंदों में लगाया है स्मृति मंधाना ने, किसने लगाया है? स्मृति मंधाना ने लगाया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो है T20 मैच था जिसमें 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, ठीक है। स्मृति मंधाना सबसे तेज़ अर्धशतक सूची में 6वें स्थान पर हैं, जबकि न्यूजीलैंड की सेफी डिवाइन महिल जो है वो 20 T20 में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाली महिला हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार संविधान संशोधन जो हुआ था 103 नंबर का अधिनियम, ओके, वह किस अनुच्छेद में आता है? उस किस अनुच्छेद में है आपको बताना है, ओके, जिसमें जो है सरकार ने जो है श्रवणों को 10% आरक्षण प्रदान किया था, कमजोर वर्ग के श्रवणों को दिया था। तो आपको ये बताना है ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं 15 और 16 नंबर के अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, गायों के संरक्षण और विकास और छोटे किसानों का समर्थन कर उनकी आय को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना का नाम क्या है?
चलिए फ्रेंड आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जितनी योजनाएं हैं आपको कल मिल जाएंगी, वो सारी योजनाओं की वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर रहेगा राष्ट्रीय कामधेनु योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में आयोजित कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 7वें संस्करण के अवसर पर कला महर्षि बाबूराव पेंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया गोविंद निहलानी को। किसको? गोविंद निहलानी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जानवर को थाईलैंड के राष्ट्रीय जलीय जानवर के रूप में चुना गया है? और फ्रेंड ये देखिए, इसमें से जो भी स्टैटिक जीके निकल के आएगा या फिर जो है थाईलैंड के राष्ट्रपति, थाईलैंड की करेंसी वगैरह, जो आपको वो सारी चीज़ें लास्ट मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसमें आपको बताऊंगा, वो भी ये क्वेश्चन के रूप में ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, कौन सा जानवर है? तो जानवर रहेगा सियामी फाइटिंग मछली। क्या रहेगा? सियामी फाइटिंग मछली रहेगी, ओके। तो यहाँ पर जो है देखिए, 5 फरवरी 2019 को थाईलैंड ने छोटे जो है लोगों को जो है ध्यान आकर्षित करने वाले जो रंगीन जो होती है रंगीन पंखों वाली एक सियामी फाइटिंग मछली होता है उसको जो है अपना राष्ट्रीय जलीय पशु चुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने नाटो सैन्य संगठन के अपने 30वें सदस्य बनने के लिए नाटो में शामिल होने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ये कौन सा देश है? बुल्गेरिया, मैसेडोनिया, स्लोवाकिया या फ्रांस? तो यहाँ पर रहेगा मैसेडोनिया। क्या रहेगा? मैसेडोनिया। अगला इसके बारे में देखिए, सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो है ऐतिहासिक दिन था, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया ने नाटो के सैन्य गठबंधन में 30वें सदस्य बनने का लिए नाटो के शामिल हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हावड़ा मैं विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए काम करने वाले को फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पुरस्कार लीजन डी होनू, क्या डी होनू जो है, ठीक है, के लिए जो है आपको के लिए लिखा है वो किस ए सम्मानित किया गया? डी होनू के से किसे सम्मानित किया गया आपको बताना? जी प्रेम जी को, फादर फ्रांस को, इस लावरोडे को, या मैरी लुइस गागेनेकर को, या जोसेफ रॉबर्ट टैटोल को? तो फ्रेंड ये किया गया फादर फ्रांकोइस लावरोडी को जो है पुरस्कार किया गया है। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये 19 वर्ष के हैं, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको दिया गया है फ्रांस का, और कौन सा है भाई? लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। देखिए जो हावड़ा के विशेष रूप जो विकलांग बच्चे हैं उनके ये काम करते हैं, और ये भारत के फ्रांसीसी राजदूत भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई पुलिस कमिश्नर ए के विश्वनाथन द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता मोबाइल चोरियों की शिकायत की पैरवी कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, सपोज अगर आपका, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, अगर आपका मोबाइल खो जाए, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप अपनी एक एप्लीकेशन जो है दर्ज कराएंगे पुलिस स्टेशन में, FIR कराएंगे, और देन आप एक एप्लीकेशन होगी जिससे आप सर्च कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल का स्टेटस है, आपके FIR का स्टेटस है, वो एक्चुअल में क्या है, आपका मिला है या नहीं, आपकी जो है मिल गया है तो वो लिस्ट में आया है या नहीं आया, अपडेट है या नहीं है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस जो है एप्लीकेशन से। तो आपको ये बतानी है इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है डिजीकॉम। क्या है? डिजीकॉम। अगला इसके बारे में देखिए, 6 फरवरी 2019 को चेन्नई के पुलिस आयुक्त, क्या नाम है? AK विश्वनाथन ने चेन्नई में आयुक्त कार्यालय में शहर पुलिस विभाग का एक मोबाइल ऐप जो डिजीकॉप जो है लॉन्च किया। अब तक इस ऐप में 18,000 चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन के विवरण आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के 85वें सीजन में सौराष्ट्र को हराकर किस टीम ने अपना दूसरा लगातार खिताब जीता है, 2 बार जीत लिया है? तो चलिए कमेंट करिएगा, और आई थिंक आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर रहेगा विदर्भ, ठीक है, पहले भी यही जीती थी, अभी भी यही जीती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम अव्वल रही है? फीफा रैंकिंग में हम जो है 2 पायदान नीचे गिर चुके हैं,
ओके 100 से 102 पर आ गए हैं, तो अभी आपको बतानी है लेकिन इसमें कौन सी टीम जो है पहले नंबर पर है। तो पहले नंबर पर रही है बेल्जियम, क्या है बेल्जियम है, और हम जो है 100वीं रैंक से बाहर हो गए हैं और 102 पर आ गए हैं, ठीक है। वहीं जो है कतर 55 स्थान पर है, जापान 27वें पर, गणराज्य कोरिया गणराज्य जो है वो 38 पर, यूएई 67 नंबर पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब वन लाइनर के रूप में देखेंगे, किसे सामाजिक न्याय के लिए वीरणी पुरस्कार दिया गया, वीर मणि पुरस्कार किसे दिया गया, तो वीर मणि पुरस्कार दिएगा पीएस कृष्णन को। अगला क्वेश्चन, रूस और अमेरिका के बीच हाल ही में किस संधि को निलंबित कर दिया गया है, तो यह कर दिया गया है INF यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फॉरेंस जो है इस संधि को कैंसिल कर दिया गया है रूस और अमेरिका के बीच के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कुमकुमा योजना के दूसरे चरण की नियुक्ति की है, तो यह करी है आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में विश्व धरोहर केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो यह की जाएगी पश्चिम बंगाल में, कहाँ की जाएगी पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्क्वास खिलाड़ी ने द्वेनिस सीएटल ओपन खिताब अपने नाम किया है या जीता है, तो यह जीता है रमित टंडन ने, किसने जीता है रमित टंडन ने स्क्वास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में वस्त्र उद्योग को अध्ययन करने के लिए केंद्र ने कौन सी योजना शुरू करी है, तो ये कौन सी योजना है वो शुरू करी है, ये करी इंडियन साइज परियोजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे विश्व बैंक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, इनका नाम है डेविड मल्प्स। अगला क्वेश्चन, एशिया एलपीजी 2019 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, किसने करवाया भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने कराया, ठीक है। तो आपको यह बतानी है इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी एलपीजी जीवन के लिए ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सुर्खी में रहा सैला दर्रा कहाँ पर है, यह सैला दर्रा जो है वह कहाँ पर है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, 5 बार ऑस्कर के लिए मनोनीत अल्वस फिनी किस देश से संबंधित रखते हैं, तो यह रखते हैं ब्रिटेन से, किससे ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में केंद्रीय खेल सचिव नियुक्त किया गया है, केंद्रीय खेल सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया था राधेश्याम जुलानिया को। अगला क्वेश्चन, अप्रवासी वन्य जीव की प्रजाति पर COP 13 का शुभारंभ किसे चुना गया, शुभांकर जो है वो किसे चुना गया, मैस्कॉट जो है किसे चुना गया, तो यह चुना गया ग्रेट इंडिया वस्टर्ड यानी कि जो गैड़ा हाथी है गुड वर्न जो है इसको चुना गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा मंत्रालय द्वारा हाल ही में रेशम कीट के बीच की जो गुणवत्ता प्रमाणन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है, यह किया गया ई कुनैन नाम की जो है यह एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्वितीय आसियान जो हुआ था भारत युवा सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कौन सा स्थान पर किया गया, किस स्थान पर किया गया, तो यह किया गया शिखर सम्मेलन द्वितीय आसियान शिखर सम्मेलन, तो यह किया गया गुवाहाटी में। अगला, भारत ने भूटान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है रुचिरा कंबोज को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका संघ का अध्यक्ष चुना गया है, अफ्रीका संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये इनका नाम है अब्देल अफ्ता अल। अगला, हाल ही में कौन से भारतीय इतिहासकार को इसराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है,
इनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। क्या है? संजय सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, MRF चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली अगर जो भी होता है पहली या लास्ट, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन क्वेश्चन आएगा सॉरी आंसर आएगा जेमी चैडविक। क्या है? जेमी चैडविक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में पॉपुलर फंड ऑफ इंडिया PFI पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? पॉपुलर फंड ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, यह लगाया गया झारखंड में। अगला क्वेश्चन, तोपची अभ्यास दरनीस आयोजन कौन से स्थान पर किया गया? यह किया गया नासिक में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अब आपसे मैं स्टैटिक जीके पूछने वाला हूँ, ठीक है, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसी जो है क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में है। ओके, अब महाराष्ट्र में है और ये जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। महाराष्ट्र में से एलोरा गुफाएं हैं जो हाल ही में खबरों थी, क्योंकि 2015-2018 के दौरान शीर्ष 10 राजस्व सृजन स्मारकों में से एक के रूप में घोषित किया गया। 2015-18 दौरान शीर्ष 10 राजस्व उत्पन्न करने वाले स्मारक ताजमहल, आगरा किला, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, स्मारक का समूह मलमपुरम और एलोरा गुफाएं और स्मारकों का समूह जो है खजुराहो और अजंता गुफाएं और औरंगाबाद हैं, ठीक है, जो बाहर जो इन लोगों इन जो लोग बाग इस इनको जो देखने जाते हैं, तो इनसे जो है राजस्व जो एकत्र होता है उनके बारे में इन्होंने बताया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखेंगे, रिवर सेल नदी किस राज्य में है? रिवर सेल नदी किस राज्य में है? तो यह है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा। जो रिवर सेल है वो गोवा में है। यह हाल ही में खबरों में थी, क्योंकि केंद्र में गोवा में नवेलिम शहर, क्या नाम है, नवेलिम शहर में रिवर सेल में प्रदूषण के नियंत्रण करने के लिए एक नई परियोजना मंजूरी दी गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पर्यावरण एवं जो मतलब पर्यावरण वन और जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी लागत 61.74 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट देखेंगे, शुभमन गिल किस खेल से संबंधित हैं? तो शुभमन गिल का जो है अभी देहांत हो चुका है, इसलिए इनका नाम आया है। ये क्रिकेटर थे शुभमन गिल, हाल ही में खबरों में से थे, क्योंकि ये एक दिवसीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 227वें क्रिकेटर बने थे, जिन्होंने 31 जनवरी 2019 को हैमिल्टन में चौथे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ उपलब्धि हासिल करी थी। अगला देखेंगे, फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO और MD और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिनो पेमेंट जो बैंक है उसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता, मुख्यालय है नवी मुंबई में मुंबई में है। अगला देखेंगे, पनामा के राष्ट्रपति कौन है? तो पनामा के राष्ट्रपति हैं जुआन कलोर्स वाशेला। अगला देखेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की बात हो रही है, का मुख्यालय कहाँ है? इसका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए अभी इसरो का भी नाम आने वाला है, इसरो का भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और चाइना की भी जो चाइना का जो है उसका भी नाम आएगा। लेकिन मैं बता दूं, अभी जो इसरो स्पेस साइंस है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपको आज रात को 8 बजे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जो है चंद्रयान 2 के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और जो पुराने और नए जो स्पेस साइंस रिलेटेड हैं वह मैं ज़रूर बताऊँगा आज। तो आज आप 8 बजे जाइएगा, यहाँ पर देखिए हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है, ओके, यूनाइटेड स्टेट ही में ये पड़ता है। आगे देखेंगे, थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा बतानी है आपको, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है थाई बहात, ओके। अगला देखें, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है पेट्रो पोरोशेंको। तो देखिए आप थाईलैंड, यहाँ पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, देखिए, और मणिपुर के बारे में हम पूछ लें तो मणिपुर में इम्फाला राजधानी, इसकी CM जो है नांगे थुम विलिन सिंह है, ओके, राज्यपाल जो है नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो जो आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, एक लाइक जरूर बनता है फ्रेंड्स। अगर शेयर नहीं कराए तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अभी 8 बजे जो है वीडियो आएगी वो आएगी स्पेस एंड साइंस की, उससे पहले एक और वीडियो आएगी आपको 3 बजे वीडियो आएगी भूगोल की, यानी कि आपको जियोग्राफी पढ़ने के लिए मिलेगी। जियोग्राफी में आप हम पढ़ रहे हैं हिमालय का पार्ट 3, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन आजकल करवा दिया है, और उससे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक आपको पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे जो 3 हमारे जो मुख्यतः हैं, ठीक है। आप हमारा जो है ग्रेटर हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक है, वो पढ़ेंगे। और उससे पहले हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है वह भी हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन मैं अभी जो है जो इन तीनों भागों के बारे में थोड़ी अभी जो जानकारी है वो अभी रिमेनिंग है। उसके बाद हम मैप पर आएंगे। मैप के बाद फ्रेंड बता दूँ, हम मैप के बाद हम 100 MCQs लगाने वाले हैं, ठीक है। और 100 MCQs का फ़ायदा तभी होगा जब आप तीनों जो चारों पांचों वीडियो जितनी बनेंगी, देखिए वैसे मेरे साथ तीसरी वीडियो जो है, ठीक है, चौथी वीडियो और लगभग 4 वीडियो बनेंगी। 4 वीडियो आप देख लेते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ आप ये 100 out of 100 लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 out of 100 नहीं लगा सकते, बहुत ही सिंपल वे में समझाया है और सारे क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। इतने ऐसे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में कभी भी कहीं से भी आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए 3 बजे, फिर उसके बाद 8 बजे जुलाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।